नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ध्वनि की चाल। ये ध्वनि वाला वीडियो है, साउंड का पार्ट टू, और इसमें हम ध्वनि की चाल को देखेंगे, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, किसी माध्यम में सबसे अधिक और किसी में कम, किसी में मीडियम। तो ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के प्रत्यास्थता व घनत्व पर निर्भर करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्यास्थता व घनत्व पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल। अब देखते हैं ध्वनि की चाल जो विभिन्न माध्यमों में क्या रहती है, ध्वनि की चाल और उसकी स्पीड क्या रहती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। कॉम्पिटेटिव परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में ये अधिक पूछा जाता है, या ऑप्शनल जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसमें ये चीज़ बहुत अधिक पूछी जाती है। यानी ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वो काय में होती है, ठोस में होती है। सबसे अधिक किस चीज़ में होती है, ठोस में होती है। और ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है वो कितने मीटर प्रति सेकेंड होती है, 5130 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वही ध्वनि की चाल हम देखेंगे, सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, तो जल में होती है दूसरे नंबर पर। पहले सबसे अधिक ठोस में, फिर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जल में होती है। और 1483 यानी 1483 मीटर प्रति सेकंड ये चाल होती है ध्वनि की। और सबसे कम जो ध्वनि की चाल होती है वो वायु में होती है, और वायु में ये ध्वनि की चाल कितनी होती है, 3332 ही होती है। कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में होती है, और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल भी नहीं होती। चंद्रमा पर निर्वात है इसलिए हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करेगा तो वो नहीं। तो हमने तीन माध्यम में ये देखी, इसके अलावा और हम माध्यम में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है लेकिन आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तरंग दैर्ध्य बदलती है। नेक्स्ट, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। और दाब का कोई प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है, किसका, दाब का, प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ताप का प्रभाव कितना पड़ता है, टेम्परेचर का, ध्वनि की चाल पर। तो दोस्तों, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर जैसा जैसा बढ़ता है ध्वनि की चाल वैसे ही बढ़ जाती है। वायु में प्रति एक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है, एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्वनि का परावर्तन। अब क्या, ध्वनि का परावर्तन, तो प्रकाश का के समान ध्वनि का भी परावर्तन होता है। जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी प्रकार से ध्वनि का भी परावर्तन होता है। इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण सिर्फ बड़े पृष्ठों पर ही ये प्रभाव दिखाई देता है, ध्वनि का परावर्तन। लेकिन इस परावर्तन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है कि एक मनुष्य को प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने मीटर की दूरी पर खड़े होना चाहिए तो उसे स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो ये 16.6 मीटर, या एक्यूरेट इसका कॉमन वे में आ जाता 17 मीटर दूरी पर अगर खड़े हैं तो हमें अपनी प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देगी। या 56 फीट में देखा जाए तो कितने फीट होती है, 56 फीट दूरी पर परावर्तक तल से खड़े हैं तो हमें प्रतिध्वनि अच्छे सुनाई देगी। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब कहीं सुनसान एरिया में जाते हैं जहाँ पर पहाड़ वगैरह हैं और हम दोनों ओर से पहाड़ से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में हम कोई बोलते हैं तो रिपीटेड हमें आवाज़ जो सुनाई देती है वही क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि। तो स्पष्ट ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें परावर्तक तल से 17 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है, 17 मीटर की दूरी की आवश्यकता, या फिट में कितने, 56 फिट की आवश्यकता होती है। वही देखा जाए कि जल का तल ध्वनि का अच्छा परावर्तक होता है। ये सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा होता है, जल का तल ध्वनि का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, जबकि आप अपवर्तक नहीं होता है। परावर्तक तो होता है लेकिन जल का अपवर्तक नहीं होता है, अच्छा अपवर्तक नहीं होता है। एक क्वेश्चन ये भी अधिक पूछा जाता है कि ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितने सेकंड तक होता है, तो हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड, सेकंड का कितना, 10वां भाग, ये हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव
रहता है। अब देखते हैं दोस्तों, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल और क्या होती है। अभी ठोस द्रव और ठोस में द्रव यानी जल में और हमने गैस में यानी वायु में ध्वनि की चाल देखी। अन्य माध्यम में देखते हैं तो दोस्तों विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है। जैसे कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, वहीं हाइड्रोजन में देखा जाए तो ध्वनि की चाल 1269 मीटर प्रति सेकंड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल 260 मीटर प्रति सेकंड होती है। भाप में 100 डिग्री सेल्सियस वाली जो भाप होती है उसमें ध्वनि की जो चाल होती है 405 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं अल्कोहल में देखा जाए ध्वनि की चाल तो 1213 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं जल में ये हम देख ही रहे थे 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। समुद्र के जल में क्योंकि ये सॉल्टी होता है, खारा होता है, लवण की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें जल की इसमें ध्वनि की चाल 1533 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट पारे में जो ध्वनि की चाल होती है वो 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं कांच में देखी जाए तो 5640 मीटर प्रति सेकंड होती है। एल्यूमिनियम में देखा जाए तो 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की चाल 5130, जो कि हमने ठोस में बताया था सबसे सॉलिड होता है लोहा। तो दोस्तों इससे भी अधिक एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल होती है। सबसे अधिक अगर ठोस में देखा जाए तो किसमें होती है ध्वनि की चाल, एल्यूमिनियम में होती है 6400 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ऐसे ही बने रहिए, इसका पार्ट 3